हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए। आज हम बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड की समस्या क्या है, लेकिन इसके लिए आपको खान पान पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि अर्थराइटिस की समस्या से आप लोग बच सकें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिरकार यूरिक एसिड की समस्या क्या है। तो चलिए बताती हूँ आप। किडनी का काम होता है कि मूत्र को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना, लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं करती है तो जो यूरिक एसिड बनता है वो मूत्र के रास्ते बाहर ना निकल के शरीर में ही रुकने लगता है, और कुछ समय बाद जब वो बढ़ जाता है तो खून में बढ़ने लगता है, और जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब इस समस्या के समाधान के लिए हमें बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें अपनानी है, जैसे कि खान पान में क्या खाएं, क्या ना खाएं, और किन किन सावधानियों का प्रयोग करें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह मात्र 15 दिन में अपने यूरिक एसिड की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर अपने यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। अब यूरिक एसिड को कम करने के लिए किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, यानी कि अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल नहीं करना है, वो बताऊंगी। और साथ ही मोटापा बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देना है, यानी कि अपने मोटापे को कम करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ आपसे बिल्कुल भी कि यदि आप मोटे हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपने को पतला करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्यों, यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक साथ ही पतले हो जाएंगे तो ये भी रीज़न हो सकता है यूरिक एसिड को बढ़ने के लिए। तो इसलिए यदि आप मोटे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर डाइट आप अपने यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, यानी कि आपको अपने मोटापे को बहुत ही नॉर्मल स्पीड से कम करना है। अब मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता देती हूँ जिन्हें यूरिक एसिड में नहीं खाना है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से उनका सेवन कर रहे हैं। उनमें पहली चीज़ आती है, बकरे का मीट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, राजमा नहीं खानी है, दालें नहीं खानी है, नॉनवेज नहीं खाना है, गोभी, टमाटर, पालक, मटर, मशरूम, दही, अचार, ड्राई फ्रूट, इनका सेवन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये यूरिक एसिड को बढ़ाती है। साथ ही नॉनवेज, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, उसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि यदि आप यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं और आप नॉनवेज का सेवन कर रहे हैं तो ये दवाइयाँ लेना आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है, आप इन दवाइयों को बिल्कुल ना लें। साथ ही आपको बेकरी फूड नहीं खाना है, क्यों, क्योंकि बेकरी फूड में प्रेजर्वेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। यूरिक एसिड वाले पेशेंट को प्रेजर्वेटिव वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, चाहे वो पैनकेक हो, बिस्किट हो, केक हो, या फिर बेकरी की कोई भी चीज़ें हो, नहीं खानी है। साथ ही आपको अंडे का प्रयोग भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यदि आप अंडे का प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में होता है। साथ ही आपको यदि दूध पी रहे हैं तो फैट वाला दूध बिल्कुल भी नहीं पीना है, और यदि आपको दूध पीना है तो उसमें से मलाई को या फिर क्रीम को निकाल दें, क्योंकि मलाई में भी प्रोटीन फुल मात्रा में होता है। साथ ही आप लोगों को चावल, साबुत दालें, राजमा, पास्ता या फिर मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डिब्बा बंद चीज़ों का भी आप लोगों को सेवन नहीं करना है, क्योंकि डिब्बा बंद चीज़ों में भी प्रेजर्वेटिव थिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और फास्ट फूड का सेवन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, फास्ट फूड नहीं खाना है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल ही नहीं, साथ ही आपको धूम्रपान नहीं करना है, तली चिकनी चीज़ों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि यूरिक एसिड की समस्या है, उन्हें क्या क्या चीज़ें खानी है, अब उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। अब जान लेते हैं वो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें हम यूरिक एसिड को कम करने के लिए प्रयोग करेंगे। एक तो आपको जैतून के तेल में ही सब्जी बनानी है, क्यों बनानी है, क्योंकि जैतून के तेल में
बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई होता है और इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके कारण यूरिक एसिड की मात्रा जो कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। दूसरी चीज, आप लोगों को अपने आहार में विटामिन सी का प्रयोग करना है। अब विटामिन सी का प्रयोग कैसे करना है, चाहे आप उसे आंवले के रूप में करें, नींबू के रूप में करें, यानी कि आपको एक दिन में 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेना ही है। विटामिन सी लेने के कारण जो यूरिक एसिड आपका खून में ही जमा हो गया है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा और आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक दिन में कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना है। देखिए, बिना प्यास के पानी पीना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, गर्मियों में तो आप इजीली पानी पी सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप लोगों से पानी नहीं पिया जा सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप पानी को पी सकें। और यदि ये पानी आरओ का ना हो करके फिटकरी से फिल्टर किया हुआ हो तो सोने पर सुहागा हो जाए। नारियल पानी आप लोगों को जरूर पीना है। इसके साथ ही आप लोगों को फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन दिन में जरूर करना है। और दलिया, ओट्स, ब्रोकली, चुकंदर, गाजर, मूली, खीरा, इन चीज़ों का प्रयोग भी आपको दिन में जरूर करना है। इसके साथ ही आपको सेब, चेरी, स्ट्रॉबेरी, बेकिंग सोडा पानी में डाल करके ले सकते हैं। रोजाना एक ग्लास पानी में एक नींबू डालकर जरूर पिएं, लेकिन उसमें मीठे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। साथ ही आपको तरबूज, लहसुन, अदरक, सौंफ, जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी, इनका प्रयोग भी आप सब्जी में या फिर ऐसे ही कर सकते हैं। सेब, चुकंदर, गाजर, इन तीनों का जूस बना करके दिन में एक बार जरूर पीना है। इससे आप यूरिक एसिड की समस्या को कम करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। इनका प्रयोग करने से आपका जो ब्लड इम्प्योर हो गया है वो प्योर हो जाएगा। साथ ही आपको एक दिन में 3 अखरोट जरूर खाने हैं। देखिए, गर्मियों के टाइम में अखरोट को आप भिगोकर खाएं और सर्दियों के टाइम में आप ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। इसलिए दिन में किसी भी टाइम आप अखरोट खा सकते हैं, लेकिन भीगे हुए, तो इससे आपको यूरिक एसिड की जो समस्या है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यदि इस तरह से आप मेरी बताई हुई सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके यूरिक एसिड की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। तो इसलिए जो भी आपको समस्या हो उसे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।